नमस्कार, मैं हूं प्रज्ञा। बिहार न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। दिवाली के बाद बिहार में बढ़ा प्रदूषण। भाई दूज पर 2 घंटे 14 मिनट का रहेगा शुभ समय। साल का अंतिम सूर्य ग्रहण आज। सिंगापुर से दिल्ली लौटे लालू प्रसाद यादव। हार्दिक पांड्या ने इस मामले पर दी अपनी प्रतिक्रिया। इसके साथ ही बढ़ते हैं शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। दिवाली के बाद बिहार में बढ़ा प्रदूषण। बिहार में कई जगह दिवाली के बाद प्रदूषण बढ़ गया है। आज यानी मंगलवार को सुबह 8 बजे के वायु गुणवत्ता सूचकांक यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स के मुताबिक पटना सर्वाधिक प्रदूषित शहर है। AQI के जरिए किए गए आंकड़ों के अनुसार दानापुर में सर्वाधिक 232 AQI दर्ज किया गया है, जिसके बाद बेतिया में 211, मोतिहारी में 207 AQI दर्ज किए गए हैं। बिहार में कुछ शहर ऐसे भी है जहां दीपावली की रात ही हवा प्रदूषित हो गई थी, जिसमें बेगूसराय भी शामिल है। बेगूसराय में AQI 300 के पार पहुंच गया था, हालांकि सुबह AQI 150 के नीचे पहुंच गया है। भाई दूज पर 2 घंटे 14 मिनट का रहेगा शुभ समय। इस बार भाई दूज का त्योहार 26 अक्टूबर को मनाया जा रहा है। ऐसे में इसके शुभ मुहूर्त को लेकर लोगों के बीच काफी कंफ्यूजन बना हुआ था। बता दें कि ज्योतिषियों के अनुसार भाई दूज का शुभ मुहूर्त 26 अक्टूबर को दोपहर 2:42 से 27 अक्टूबर को दोपहर 12:45 तक रहेगा। 26 अक्टूबर को प्रीति और आयुष्मान नाम के दो शुभ योग है। पहला योग शाम 5:40 से 7:16 तक है, वही दूसरा शुभ योग शाम 7:16 से 8:53 तक है। इस दिन बहनें अपने भाई को तिलक लगाकर उनकी रक्षा और भगवान से उनकी सुख समृद्धि की कामना करती है, जबकि भाई अपनी बहनों के पैर छूकर उन्हें शगुन के रूप में पैसा या उपहार देते हैं। केदारनाथ पांडे के पार्थिव शरीर को CM नीतीश ने दी श्रद्धांजलि। बिहार विधान परिषद के सदस्य केदारनाथ पांडे का पार्थिव शरीर आज सुबह यानी कि मंगलवार की सुबह विधान परिषद पहुंचा, जहां उन्हें बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सहित कई अन्य पक्ष और विपक्ष के नेताओं के द्वारा श्रद्धांजलि दी गई। नीतीश कुमार ने इस दौरान कहा कि उनके साथ मेरा रिश्ता काफी पुराना है और मुझे उनकी मृत्यु की बहुत तकलीफ हुई है। वह समाज सेवा से बहुत अच्छे से जुड़े हुए थे और जिस तरह से वह अपनी बातों को कहते थे वह काफी शानदार होता था। उनके द्वारा कही गई सभी बातें इतनी स्पष्ट होती थी कि उनकी बातों को समझाने में कोई परेशानी नहीं होती थी। मुख्यमंत्री ने कहा कि उनका काम हमेशा याद रखने के लिए उन्होंने सदन में जितना काम किया है, सदन में जो भी कहा है उन्हें संग्रहित किया जाएगा ताकि उन्हें फिर से प्रकाशित किया जा सके। साल का अंतिम सूर्य ग्रहण आज। साल का अंतिम सूर्य ग्रहण आज। साल 2022 का दूसरा और अंतिम सूर्य ग्रहण आज यानी कि 25 अक्टूबर को पड़ने वाला है, जो कि यूरोप, उत्तर पूर्वी अफ्रीका और पश्चिमी एशिया के विभिन्न हिस्सों में नजर आएगा। वहीं भारत के भी कुछ हिस्सों में यह नजर आएगा, जिसमें दिल्ली, बेंगलुरु, कोलकाता, चेन्नई, उज्जैन, वाराणसी, मथुरा और बिहार है। बता दें कि ज्योतिषियों के अनुसार भारत में सूर्य ग्रहण की शुरुआत 4:29 से होगी, जो 5:57 पर समाप्त होगी। वहीं अगर बिहार की राजधानी पटना की बात करें तो पटना में शाम 4:42 से सूर्य ग्रहण दिखेगा, जो 5:13 में समाप्त हो जाएगा। ऐसे में से इस अवधि का ग्रहण पटना में नहीं दिखेगा। छठ पूजा में शराब खपाने की कोशिश, लेकिन जब्त हुई शराब। अभी त्योहारी सीजन चल रहा है, ऐसे में लोगों को जाम छलकाने की गतिविधियां तेज हो जाती है और तभी तस्कर सक्रिय हो जाते हैं और भारी संख्या में शराब की तस्करी करते हैं। इस दौरान बीते दिन वैशाली में दिवाली पर बेचने के लिए 35 लाख का 254 कार्टून शराब लाया गया था, जिसे पुलिस ने समय रहते धर दबोचा। वैशाली के भगवानपुर से पुलिस ने शराब माफियाओं के मंसूबे को नाकाम करते हुए एक ट्रक शराब पकड़ लिया। शराब तस्कर मौका मिलते ही घटनास्थल से फरार हो गया। चल रही है पटना के घाटों की तैयारी। छठ पूजा को लेकर पटना के घाटों की तैयारी जोर शोर से चल रही है। इस बार कबंसी व काली घाट को एक साथ मिलाकर तैयार किया जा रहा है। दोनों घाटों को मिलकर लगभग 1000 फुट घाट की लंबाई मिल रही है। साथ ही इन दोनों घाटों की सफाई और गाद हटाई जा रही है। काली घाट के आगे कदम घाट, पटना कॉलेज और कृष्णा घाट एक साथ लगे हुए हैं। इन घाटों की लंबाई लगभग 1200 फुट है। वर्तमान में इन घाटों पर 8 सीढ़ियों के बाद गंगा का जलस्तर बना हुआ है। निगम की ओर से घाटों की सफाई की जा रही है। वहीं अगर NIT गांधी घाट की बात करें तो इस घाट पर NDRF व जिला प्रशासन का कंट्रोल रूम बनाया जाएगा। बता दें कि गांधी घाट से सटे हुए घाट बरहड़वा, गोलकपुर और रानी घाट पर जाने के लिए NIT घाट से भी जाने की सुविधा रहेगी। राकेश टिकैत ने नीतीश को लिखा लेटर। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की कैबिनेट से बाहर होने वाली पूर्व मंत्री सुधाकर सिंह को किसान मंडी चालू किए जाने की मांग पर राकेश टिकैत का साथ मिला है। बता
दें कि राकेश टिकैत के द्वारा 17 अक्टूबर को नीतीश कुमार को पत्र लिखा गया था। उन्होंने इस पत्र में किसानों को मिलने वाले न्यूनतम समर्थन मूल्य और किसान मंडी की व्यवस्था को देर से शुरू करने की मांग की है। राकेश टिकैत के द्वारा लिखे गए इस पत्र को आरजेडी के विधायक और पूर्व मंत्री सुधाकर सिंह के द्वारा सोशल मीडिया पर पोस्ट कर शेयर किया गया है और लिखा है, बिहार के किसानों के लिए मंडी और न्यूनतम समर्थन मूल्य बुनियादी जरूरत है और जब तक कृषि उत्पादन विपणन समिति कानून और मंडी प्रणाली को बहाल नहीं किया जाता तब तक मैं चैन से नहीं बैठने वाला। किसान मंडी को चालू करने की मांग सबसे पहले कृषि मंत्री रहते हुए सुधाकर सिंह ने ही की थी। अनंत सिंह की पत्नी के लिए लल्लन सिंह मांगेंगे वोट। मोकामा उपचुनाव में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के करीबी माने जाने वाले लल्लन सिंह अनंत सिंह की पत्नी के लिए वोट मांगेंगे। बता दें कि अनंत सिंह और लल्लन सिंह की दुश्मनी काफी प्रसिद्ध है, ऐसे में इन दोनों को साथ आना लोगों को हैरान कर रहा है। बताते चले कि अनंत सिंह की पत्नी के लिए लल्लन सिंह 26 अक्टूबर को एक रैली का आयोजन करेंगे और इसके बाद 27 अक्टूबर को लल्लन सिंह ताल क्षेत्र की जनता को रिझाने की कोशिश करेंगे। जानकारी के लिए बता दें कि अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी राजद के टिकट पर चुनाव लड़ रही है। वहीं बीजेपी ने उनके विरोध में अपने प्रतिनिधि के रूप में सोनम देवी को उतारा है। भाजपा और राजद के इन दोनों प्रतिनिधियों के लिए बड़े बड़े नेता प्रचार करने के लिए मैदान में उतर रहे हैं। सिंगापुर से दिल्ली लौटे लालू प्रसाद यादव। सिंगापुर से दिल्ली लौटे लालू प्रसाद यादव। राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव दिवाली की रात सिंगापुर से भारत लौट आए हैं। बता दें कि लालू यादव किडनी की गंभीर बीमारी से जूझ रहे हैं, जिस वजह से इलाज को लेकर उन्हें सिंगापुर जाना पड़ा था। वहीं उनकी बढ़ती उम्र की वजह से इलाज में भी काफी परेशानी आ रही है। किडनी के अलावा भी लालू यादव को कई दिक्कतें हैं, इसके साथ ही उनकी किडनी बदलने की भी चर्चाएं चल रही है। हालांकि अब तक इस पर डॉक्टर की ओर से कोई फैसला नहीं लिया गया है। मिली जानकारी के अनुसार लालू यादव किडनी के इलाज के लिए फिर से सिंगापुर जा सकते हैं। दरअसल कोर्ट से उन्हें सीमित समय दिया गया था, जिस वजह से उन्हें सिंगापुर से दिल्ली उस समय के अंदर ही लौटना पड़ा। मुकेश सहनी ने बढ़ाई भाजपा के टेंशन। बिहार में दो विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव को लेकर मुकेश सहनी ने अपनी पार्टी विकासशील इंसान पार्टी की नीतियों का ऐलान करते हुए कहा कि वे मोकामा और गोपालगंज में हो रहे उपचुनाव में राजद उम्मीदवार का समर्थन करेंगे। बता दें कि मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी ने इन दोनों जगहों पर राजद के उम्मीदवार को वोट देने की अपील की है। मुकेश सहनी ने इन दोनों स्थानों पर हो रहे उपचुनाव को लेकर कहा कि वीआईपी पार्टी विधानसभा उपचुनाव में अपना उम्मीदवार नहीं उतारेगी, लेकिन भाजपा को हराने का काम जरूर करेगा। उन्होंने कहा कि भाजपा की हार में ही बिहार की जीत है। मुकेश सहनी ने भाजपा पर हमला करते हुए कहा कि भाजपा के लोग अति पिछड़े समाज के नेता को आगे नहीं बढ़ना देना चाहते हैं। सीएम नीतीश और तेजस्वी पहुंच रहे मोकामा। मोकामा में 3 नवंबर को उपचुनाव होना है, ऐसे में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव चुनाव प्रचार को लेकर 27 अक्टूबर को पूर्व विधायक आनंद सिंह की पत्नी नीलम देवी को समर्थन देने के लिए मोकामा पहुंच रहे हैं। बता दें कि दोनों की सामूहिक जनसभा मोकामा टाल इलाके के घुसवाड़ी प्रखंड में होने वाला है, जहां बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतनराम मांझी भी मौजूद होंगे। नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव और जीतनराम मांझी के अलावा जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष लल्लन सिंह भी मोकामा विधानसभा क्षेत्र में 2 दिनों के जनसंपर्क पर रहेंगे। इस दौरान वे सड़क मार्ग से रोड शो करते हुए करीब 100 किलोमीटर की जनसंपर्क यात्रा करेंगे। भारतीय मूल के हाथ में होगी ब्रिटेन की बागडोर। पहली बार ब्रिटेन की बागडोर किसी भारत के मूल निवासी को दी जा रही है। बता दें कि ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री भारतीय मूल निवासी ऋषि सुनक होंगे। पूर्व पीएम बोरिस जॉनसन ने अपना नाम प्रधानमंत्री के पद से वापस ले लिया, जिसके बाद आज कंजर्वेटिव पार्टी के संसदीय दल के द्वारा सुनक को नेता के रूप में चुन लिया गया है। वही ऋषि सुनक 28 अक्टूबर को ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। ऋषि सुनक भारतीय सॉफ्टवेयर कंपनी इंफोसिस के को फाउंडर नारायण मूर्ति के दामाद है। इनके पेरेंट्स पंजाब में रहने वाले थे, जो बाद में विदेश में जाकर बस गए। इनका जन्म ब्रिटेन के हैम्पशायर में हुआ था, जहां उन्होंने अपने एमबीए की पढ़ाई अमेरिका के स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से की। बता दें कि सुनक को 5 सितंबर को लीज ट्रस्ट के द्वारा हरा दिया गया था, जिसके बाद करीब 50 दिन बाद अब वह कंजर्वेटिव पार्टी का संसदीय दल के नेता और प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। हार्दिक पांड्या ने इस मामले पर दी अपनी प्रतिक्रिया। भारत के हरफनमौला खिलाड़ी हार्दिक पांड्या ने नो स्ट्राइकर को रनआउट पर बने नियम पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि नियम अपनी जगह है और खेल की भावना अपनी जगह। हमें नो स्ट्राइकर को रन करने वाले मामले पर हंगामा करना बंद कर देना चाहिए। यह एक नियम है, मुझे व्यक्तिगत रूप से इसमें कोई परेशानी नहीं है। अगर मैं अपनी क्रीज से बाहर हूं और मुझे कोई रनआउट करता है तो यह ठीक है, यह मेरी गलती है, इसलिए मैं आउट हुआ। उन्हें क्यों लगता है कि खेल के सबसे छोटे प्रारूप में एक स्थान पर खेलना
खेलना ओवररेटेड माना जाता है। बता दें कि इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज में भारतीय महिला टीम के स्टार खिलाड़ी दीप्ति शर्मा ने चार्ली डीन को रनआउट किया था, जिसके बाद इसे लेकर विवाद चल रहा है। जानिए आज बिहार में क्या है पेट्रोल डीजल के रेट। बिहार में आज यानी मंगलवार को पेट्रोल डीजल के रेट जारी कर दिए गए हैं, जिसमें पटना, पूर्णिया, बेगूसराय, दरभंगा, मोतिहारी, बेतिया समेत अन्य शहरों में मंगलवार को पेट्रोल डीजल के दाम स्थिर है। वहीं मुजफ्फरपुर और गया समेत कुछ जगहों पर तेल के भाव में हल्की गिरावट आई है, तो भागलपुर में पेट्रोल डीजल महंगा हो गया है। दूसरी ओर गया में पेट्रोल के दाम में 30 पैसे और डीजल में 27 पैसे प्रति लीटर की कमी आई है। मुजफ्फरपुर में पेट्रोल 4 पैसे और डीजल 5 पैसे प्रति लीटर की दर से सस्ता हो गया है। भागलपुर की बात करें तो यहाँ पेट्रोल के भाव में 18 पैसे और डीजल में 16 पैसे प्रति लीटर का इजाफा हुआ है। राजधानी पटना में मंगलवार को यानी कि आज पेट्रोल 107.24 रुपए और डीजल 94.04 रुपए में बिक रहा है। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिख कर दिया था। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है नन्नू कुमार, राकेश शर्मा, शंकर मुखिया, मंतोष कुमार, पंकज कुमार, रविशंकर, भान प्रकाश मौर्य, सरिता पासवान, उमेश ऋषिदेव, कविता कुमारी, राजकुमार प्रसाद, अनवर करीम खान, खुशबू कुमारी, कुमार कौशल सिंह। अब बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, बिहार में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए सरकार को क्या कदम उठाने चाहिए। अब अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे बिहारी न्यूज, और साथ ही अगर आप YouTube से देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगर आप Facebook से देख रहे हैं तो पेज को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।